एएमसी चार्जेज क्या होते हैं और एएमसी चार्जेज कहाँ कहाँ लगता है, एएमसी चार्जेज साल में कितनी बार कटता है, क्या एएमसी चार्जेज वापस आ सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न होते हैं हर एक बैंक अकाउंट यूजर्स, डीमैट अकाउंट यूजर्स और पेमेंट बैंक वाले और जो एटीएम कार्ड को रखते हैं अपने पास में उनके मन में, और इसके अलावा अन्य फाइनेंशियल कंपनियां जितनी भी हैं, लगभग कंपनियां एएमसी चार्जेस काटती हैं। एएमसी चार्जेस का मतलब होता है दोस्तों एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, मतलब वार्षिक वार्षिक रखरखाव शुल्क हिंदी में बोले तो। ये ऐसा होता है दोस्तों कि आप किसी को कोई सर्विस दे रहे हो तो उसमें हम लोग क्या है एक मेंटेनेंस चार्ज के रूप में हर साल का एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं। जैसे कि कोई भी बैंक अकाउंट है वो 200 रुपए से लेकर 250 रुपए तक का एक मेंटेनेंस चार्ज काटता है। इसके अलावा जो ब्रोकर एप्लीकेशन है मतलब डीमैट अकाउंट, वो भी कोई 100-150 रुपए या 250 रुपए के आसपास मेंटेनेंस चार्ज काटता है। और दोस्तों ध्यान दीजिए कई सारे जो ब्रोकर एप्लीकेशन है, डीमैट अकाउंट है, वो आपकी होल्डिंग्स के हिसाब से भी मेंटेनेंस चार्ज काटते हैं। इसके अलावा जो एटीएम कार्ड होते हैं, आपने देखा होगा एटीएम कार्ड पे 250 रुपए साल का लगता ही लगता है, 236 रुपए मिनिमम रुपए कार्ड आता है उस पर भी, रुपए कार्ड पे भी लगभग 230 रुपए 250 रुपए मैंने खुद ने दिए हैं, सभी को देने होते हैं। पेमेंट अकाउंट जो पेमेंट बैंक अकाउंट होता है उसमें सबसे ज्यादा एएमसी चार्ज करता है, खासतौर से फिनो पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, इसके अलावा जियो पेमेंट बैंक भी शायद तक उसमें एएमसी है नहीं है, लेकिन उसके अलावा काफी सारे दूसरे पेमेंट बैंक हैं जिसमें एएमसी चार्जेस कटता है। और तीसरा प्रश्न हो गया दोस्तों एएमसी चार्जेस साल में कितनी बार कटता है, तो दोस्तों एएमसी चार्ज साल में लगभग सिर्फ एक बार ही कटता है, और कटता कब है वो फाइनेंशियल ईयर के बाद में, मतलब अप्रैल के बाद में और जून जुलाई के बीच में, अगस्त के बीच में वो कटता है, या हो सकता है कि आपने जब आपका अकाउंट एक्टिवेट किया हो उसके बाद ही वो एएमसी चार्जेस कटना शुरू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्या हम एएमसी चार्जेस को रोक सकते हैं, तो दोस्तों नहीं, अगर आपने कोई सर्विस ली है तो आपको एएमसी चार्जेस देना ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है दोस्तों, क्योंकि पानी में रहकर आप मगर से बैर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको एएमसी चार्जेस के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी, और बाकी देखो दोस्तों आपको एक सेपरेट कंपनी जैसे कि एंजल बैंक, जीरोधा, ग्रो बैंक अकाउंट, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी, आईसीआई, इनके जो एएमसी चार्जेस हैं इनके बारे में आपको और भी अधिक विस्तार से जानना होगा, जो कि आप हो सकता है कि आपके केस में कोई एक बैंक हो, एक डीमैट अकाउंट हो, एक डेबिट कार्ड हो, नहीं क्या। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपकी मदद की जाएगी।